हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। शाही इंडियन किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही डिलीशियस सी मिठाई जो आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। इसके लिए हमने ले लिया है 1 किलो गाजर और इसे हमने अच्छी तरीके से धो करके, ये बारीक वाली ग्रेटर है इससे हमने ग्रेट कर लिया है। बारीक वाला से ही ग्रेट करें, इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने चूल्हा जला के एक बर्तन चढ़ा दिया है, उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच देसी घी। ये होममेड घी है। घी मेल्ट हो चुके हैं, अब इसमें ये गाजर को हम डाल देंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे। गाजर को हमने 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लिया है ताकि घी का फ्लेवर गाजर में अच्छी तरीके से आ जाए। इसमें हम डालेंगे 1/2 लीटर दूध। 1 kg गाजर है तो इसके लिए इसमें 1/2 किलो फुल फैट मिल्क हमने डाल दिया है। इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसे हमें सॉफ्ट हो जाने तक इसे हमें पका लेना है। इसे हम दूसरा चूल्हा पर शिफ्ट कर दे रहे हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये लाल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, इसका मतलब आप हमारे चैनल पर बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो आप इसे दबा दें, ये इस तरीके का ग्रे हो जाएगा। और साथ में ये बेल बटन है ना, इसे भी आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी कोई रेसिपी की वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। और ये सब्सक्राइब हमें एक बार ही करना है। ये ग्रे कलर का दिख रहा है सब्सक्राइब का बटन, इसका मतलब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो आपको सब्सक्राइब करने की फिर से ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जब भी कोई वीडियो देखें तो आप उसे लाइक का बटन दबा करके लाइक कर दें। और ये बिल्कुल फ्री है और इसके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। गाजर हमारे पक रहे हैं दूसरे साइड में, तब तक इधर हम रबड़ी बना ले रहे हैं। रबड़ी बनाने के लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें हमने डाल दिया है 1/2 लीटर दूध। ये दूध भी हमने फुल फैट दूध लिया है। 2 ब्रेड का स्लाइस लिया है, इसका किनारा काट लिया है। अब इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे। ये देखें, दूध में बॉईल आने को है। ये जो हमने ब्रेड का चूरा बनाया था वो इसमें डाल देंगे और इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसमें डालेंगे 1/3 कप मिल्क पाउडर। ये भी ऑप्शनल है, अगर लेकिन अगर आप डाल देंगे तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। नहीं तो 10-10 रुपये में भी दूध का पैकेट मिलता है, वो भी 1-2 पैकेट आप इसमें डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें ताकि दूध के जो गुठली बन गए हैं, ये देखिए इस तरीके से हल्का सा गुठली बन जाता है दूध का गर्म में, तो घबराए नहीं, आप इसे मिक्स करते रहे, ये मेल्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो हल्का गुनगुना दूध ले लें और उसमें मिल्क पाउडर डाल करके अच्छी तरीके से पहले घोल लें और घोलने के बाद इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, रबड़ी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। इसमें डालेंगे 1/3 कप शक्कर। आप शक्कर टेस्ट के हिसाब से डालें। अगर आप कम मीठा खाना चाहते हैं तो थोड़ा कम डालें, ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसे मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए और इसे हम पकाएंगे। ये देखें रबड़ी की कंसिस्टेंसी, यही कंसिस्टेंसी का हमें चाहिए। जब ये ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा रोज़ वाटर, आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये इलायची पाउडर या रोज़ वाटर हमेशा लास्ट में डालें, अगर लास्ट में डालेंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो बहुत देर तक बना रहेगा। चलिए इसे हम अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर ले रहे हैं और इसे हम उतार ले रहे हैं। इधर हमारे गाजर भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, इसे हमने बीच बीच में चलाते हुए पका लिया है। इसमें डालूँगी मैं 1 कप शक्कर। शक्कर आप अपने स्वाद अनुसार डालें, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मीठा कुछ लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कुछ कम करते हैं, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसे मिठास इसमें ऐड करें। आप इसमें अपने पसंद का ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप उसे डाल दें, अगर नहीं है तो भी चलेगा, तो भी कोई बात नहीं है। मैं भी इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, शक्कर अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुके हैं और ये गाजर सूख चुके हैं। ये देखिए, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर, रोज़ वाटर, अगर कुछ भी अगर डाले खुशबू के लिए तो हमेशा लास्ट में डाले ताकि उसका खुशबू जो है बहुत देर तक बनी रहे। चलिए इसे हमने मिक्स कर लिया है, अब हम चूल्हा को बंद कर देंगे। ये देखिए, हमने ब्रेड लिया है और ब्रेड का जो किनारा में ब्राउन पार्ट होता है इसे हमने कट कर दिया है। ये देखिए इस तरीके का, ये पार्ट हमें नहीं चाहिए तो इसे हमने काट के हटा दिया है। आप इसका ब्रेड क्रम भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप कोई भी सरफेस पे या तो चौकी बेलना पे रखें और इस तरीके से आप इसे बेल ले तो ये थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाएगा।
ये देखिए इसे हमने बेल लिया है, ये साइज में बड़ी हो गई है। इसी तरीके से सब हम बेल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, सब ब्रेड को हमने बेल लिया है इस तरीके से। रबड़ी जो हमने बनाए थे उसे हमने एक प्याले में निकाल लिया, इसे हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। ब्रेड के ऊपर से हम लगाएंगे रबड़ी इस तरीके से। ये हमने लिया है नारियल का चूरा, इसे डेसिकेटेड कोकोनट भी बोलते हैं। जिस साइड से हमने रबड़ी लगाया है उस साइड से इसे हमें इसमें कोड कर लेना है। ये देखें, ये अच्छी तरीके से कोड हो चुके हैं। जो साइड में हमने नारियल का चूरा लगाया है और रबड़ी लगाया है वो साइड हम नीचे रखेंगे और इस साइड में भी हम रबड़ी लगाएंगे। ये देखें, अच्छी तरीके से रबड़ी हमें लगा लेना है, पूरा कवर कर लेना है। ये जो हमने गाजर का हलवा बनाया है इस तरीके से हमें इसे शेप दे देना है और किनारे पे इसे हम रख लेंगे इस तरीके से और इसे हमें हल्के हाथ से इसका रोल कर लेना है। ये देखें, इसके ऊपर हम थोड़ा सा और डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे। इसे आप गार्निश कर सकते हैं अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स, चेरी, टूटी फ्रूटी, आप चाहे जैसे भी इसे गार्निश कर लें। ना करें गार्निश तो भी चलेगा क्योंकि टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसी तरीके से सारे रोल हम बना लेंगे। अभी हम वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। चलिए, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे एक और टेस्टी और यमी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप टेस्टी खाएं और मस्त रहें। बाय बाय।